जो आज का विशेष दिन जिसमें शिलाज भक्ति सिद्धांत सर महाराज का आज तिरुभाव दिवस, आज के दिन उन्होंने भगवत धाम में आज वो प्रवेश करे थे। तो भक्ति शिला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कौन है और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उनका भक्ति क्षेत्र में क्या महत्व है, क्यों उनको याद किया जाता है, तो आज थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर भी हम लोग करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम की, जिससे कि हमारा चित्त शुद्ध हो सके और हम भगवत कथा को अपने अंतकरण में हृदय स्थल में बैठा सकें। नमाओं विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनी नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समुदेस्तारिणे नमाओं विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तजनों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश प्रभु, आलोक प्रभु जी, संगीता माता जी, हमारी माता जी गाजियाबाद से, तो आप सभी समय निकाल कर आए और आशा करते हैं आपने माला जप भी किया होगा साथ साथ। तो आज का जो हमारा अध्ययन है वो है पांचवें अध्याय को लेकर है, और पांचवा अध्याय कृष्ण भावना भावित कर्म, उसका हम रिवीजन करेंगे, और नौवा अध्याय जो है हमारा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बीच में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद, जो कि हमारे जो गुरु परंपरा है ब्रह्मादि माधव गौड़ी संप्रदाय, उनके बहुत ही प्रमुख और उच्च कोटि वैष्णवाचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस कौन का संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार किया और अनेक इस्कॉन के मंदिर बनवाए। श्रील प्रभुपाद जिनके हम चिर ऋणी हैं, उनके वो गुरु महाराज हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, और आज उनका तिरुभाव दिवस यूएस में आज के दिन मनाया जा रहा है, इंडिया में कल है।
तो जो इंडिया के भक्त हैं वो कल उनको बना सकते हैं, और तो यूएस में तिथि के अनुसार आज उसको मनाया जा रहा है। कोई भी वैष्णव जब भगवत धाम जाता है तो वो भी हर्ष का विषय है, उसको हम संसारिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता कि अरे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि भक्त थे, संसार के चक्कर से निकल के वो भगवत धाम चले गए। इसलिए जो तिरुभाव दिवस है, डिसअपीयरेंस डे, वो भी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें क्योंकि वो जो वैष्णव भक्त थे उनको भगवान की प्राप्ति हो गई, ऐसा समझा जाता है भक्त समुदाय में। तो उनके बारे में अंत में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम पांचवा अध्याय जो कि हमारा मूल विषय है आज रिविजन का। आप सभी को मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है? हाँ जी, सुनाई दे रही है। धन्यवाद माता जी। खास तो मैंने कुछ प्रेजेंटेशन ज्यादा बनाया नहीं है, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में रखा है, तो वो आपको मैं प्रयास करूंगा समझाने का कि क्या क्या इसमें शीर्षक में आया है। टोटल 4 सेक्शंस में ये पूरा अध्याय डिवाइडेड है, कृष्ण भाव नभावित कर्म, और जो इस पे बल दिया गया है वो पिछले अध्याय से, तीसरे अध्याय से हमने देखा कर्मयोग पे भगवान बल दे रहे हैं, किस प्रकार कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, और अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को बहुत सिंसियरली करना है। और तीसरे अध्याय में भगवान ने ये बताया कि किस प्रकार से जो कर्म कर्मयोग का सहारा लेता है वो अंत में भगवान को अवश्य प्राप्त करता है। चौथे अध्याय में हमने समझा था कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं, अकर्म, विकर्म और सकर्म, 3 प्रकार के कर्म हैं। विकर्म जो निंदीय निंदनीय कर्म है, जो कि तमोगुणी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति करते हैं। सकर्म यानी अच्छे कर्म, जो कि सतोगुणी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति करते हैं। और विकर्म वह है जो कि अकर्म वह है जो कि कृष्ण भावना व्यक्ति करता है, जिसका कोई रिएक्शन नहीं लगता, ना तो अच्छा ना बुरा। तो जिन कर्मों का ना अच्छा रिएक्शन लगे ना बुरा रिएक्शन, वो कर्म कहलाते हैं। इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छे कर्म भी हम करेंगे, खूब दान पुण्य किया हमने, खूब दूसरों की सेवा करी, तो गिरीश प्रभु जी ने पिछले हफ्ते समझाया था, उस पिछले से पिछले हफ्ते, कैसे भगवान ने भगवद गीता में बोला है, और उससे पहले आलोक प्रभु जी ने तीसरे अध्याय को बड़े सुंदर ढंग से समझाया था। तो अच्छे कर्म का फल इच्छा रखे हुए हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका बंधन लग जाएगा। इस संसार में आने का कारण ये है कि हम संसार से बंधे हुए हैं, कर्मों के अनुसार, अपने कर्म बंधन के अनुसार बंधे हुए हैं। तो आवश्यकता किस चीज की है? कृष्ण भावना भावित कर्म करने की, भगवान कृष्ण को अपनी भावनाओं में बसा के कर्म करने की आवश्यकता है। तो आज हम पांचवा अध्याय प्रारंभ करेंगे, उसको हम समझेंगे किस प्रकार से भगवान ने पांचवे अध्याय को अर्जुन को समझाया है। प्रथम प्रथम श्लोक से लेके 12वां श्लोक तक तो जो है इस सेक्शन में, वो भगवान ने बताया है किस प्रकार से हमें संसार में रह के कर्म करना है, एक कमल के पत्ते के समान। इसका मैं अर्थ फटाफट पढ़ता हूं, जो कि अंत हमारे जो इंपॉर्टेंट श्लोक हैं उसको फिर हम विवेचना करेंगे स्लाइड्स के माध्यम से। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु पहले तो आपने मुझे कर्म करने को मना कर दिया भगवत गीता में देखा भगवान ने, फिर आप कह रहे हैं कि मेरे भावना से युक्त होकर कर्म करो, भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश दे रहे हैं कर्मयोग सेक्शन में भगवान कहते हैं अर्जुन को। तो अर्जुन यहाँ थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, कर्म तो करूं क्या, एक तरफ तो आप मुझे कर्म करने को मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जीवात्मा हूँ, मुझे किसी प्रकार कर्म में कोई लिप्त नहीं होना है, और दूसरी तरफ आप मुझे कह रहे हैं कि अब मुझे अगर कर्म करना है तो शारीरिक बोध होना जरूरी है, तो किस प्रकार का कर्म मुझे करना चाहिए। तो वहां भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, मुक्ति के लिए जो कर्म का परित्याग
तथा भक्ति में कर्म दोनों मुक्ति के लिए, अगर हम अगर कोई मोक्ष की उत्पत्ति चाहता है तो उसके लिए भक्ति में, उसके लिए कर्मों का परित्याग कर देना और भक्ति में कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो भक्ति भावना से युक्त होकर जो कर्म किया जा रहा है, यानी कि कृष्ण के लिए जो कर्म किया जा रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है। आप जो भी कर्म करें उस भावनाओं में भगवान कृष्ण को बसाना आवश्यक है। चाहे आप घर में खाना बना रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, उस भोजन को भगवान के लिए विषय में रख के आप सोचें कि मैं ये भोजन बना रहा हूँ या बना रही हूँ इस कृष्ण की संतुष्टि के लिए। हालांकि भगवान की तो अनंत कोटि लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं हर प्रतिपल। खुद राधा रानी स्वयं भगवान के लिए नित्य नए व्यंजन बनाती हैं, और आज से नहीं, इटर्निटी से, अनंत काल से रोज एक नया व्यंजन राधा रानी भगवान कृष्ण को बनाती हैं, जो उनको आशीर्वाद प्राप्त है दुर्वासा मुनि के कारण, कि कोई भी खाना जो आज बन गया वो रिपीट नहीं होगा आगे इटर्नल समय तक, इटर्निटी तक। रोज नया प्रसाद, नया एक डिश। आप सोचिए कब से बनाती आ रही हैं राधा रानी। उन भगवान, वो भगवान को हम जब भोग लगाते हैं तो क्या वो हमारा रूखा सूखा क्या खाएंगे, हम क्या अर्पित कर सकते हैं भगवान को? उसमें भी भगवान भावना देखते हैं, कहते हैं कि जो जिस प्रेम भाव से मुझे अगर भोग लगाया है तो उस प्रेम भाव को चखने के लिए मैं आता हूँ। वो हमारे भोजन का भगवान को लालच नहीं है। भोजन के लिए तो भगवान ने क्या बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता। कोई मुझे प्रेम से पत्ता तुलसी पत्र अर्पित करता है, कोई प्रेम से मुझे पुष्प फूल अर्पित करता है, कोई प्रेम से मुझे जल अर्पित करता है, या कोई प्रेम से मुझे दूध अर्पित करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान को कुछ 56 भोग नहीं चाहिए। 56 भोग आप बना रहे हैं क्योंकि आपका भाव है भगवान के प्रति। जैसे माता जी कई बार जन्माष्टमी में कुछ माता जी बनाती हैं, अरे हम 56 भोग का भोग लगाएंगे भगवान को, तो भगवान आपका 56 भोग चखने नहीं आ रहे। भगवान देख रहे हैं उस 56 भोग में कितना प्रेम है आपका उनके प्रति पड़ा हुआ है, या कितना एक बिजनेसमैन माइंडेड भावना पड़ी हुई कि भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान हमें भी अच्छा अच्छा फिर देंगे कुछ ना कुछ, भगवान की हम स्तुति करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस। हमें बिजनेस नहीं करना है भगवान से, ना ही भगवान से कभी कुछ मांगने का प्रयास करना है, क्योंकि बिन मांगे उन्होंने सब कुछ दे दिया है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें कभी भी भगवान से कुछ प्रत्यक्ष मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने से क्या होता है कि एक प्रकार का बिजनेस माइंडेड, भगवान आप मेरी इच्छा पूरी करोगे तभी मैं आपकी, तभी मैं आपका भजन भक्ति करूंगा या करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगा। तो ये एक बिजनेस माइंडेड एटीट्यूड है। कृष्ण कुछ दें या ना दें, कृष्ण वैसे देखा जाए तो सभी कुछ उन्होंने दे दिया है, बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया है। देखिए कितना कुछ भगवान हमें दे चुके हैं, जो कपड़ा हम पहने हैं, कपड़े का रॉ मटेरियल भगवान ने बना के रखा ताकि हम कपड़े पहन सके, खाना हम जो खाते हैं खाना जाके पच जाए, वो सारा सिस्टम भगवान ने अंदर मेंटेन करके रखा हुआ है। कई बार हम जिक्र करते हैं हमारे नाक के नीचे कांस्टेंट सप्लाई है ऑक्सीजन की, जरा सी भी सप्लाई में कट ऑफ हो गया तो क्या होगा आप सब जानते हैं, तुरंत ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ेगी, तुरंत एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। तो ये जो भगवान ने बिन मांगे हमें सब कुछ प्रदान कर दिया है, इसका हमें नित्य प्रति चिंतन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे मन में भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड, जो आभार की प्रवृत्ति है, वो जागृत होगी और हमारा ईगो जो है वो समाप्त होगा। नहीं तो हम खुद ही ईगो में रहते हैं कि अरे हमने किया सब कुछ, हम है करने वाले, हम देंगे तो होगा, हम करेंगे काम तो ये काम होगा। तो ये ईगो जो है, ये ईगो एक तरह की मिथ्या विचार, मिथ्या भावना है। हम जो कर भी पा रहे हैं काम, वो भी कृष्ण द्वारा दिए गए बल के कारण है। आंखें देख पा रही हैं क्यों? क्योंकि देखने की शक्ति भगवान ने दी है। अगर आंखें नहीं देख पाते तो क्या संसार देख पाते? सुन पा रहे हैं, सुनने की शक्ति भगवान ने दी है। तो कुछ भी आप उठा के देख लीजिए, हर चीज भगवान से आ रही है। तो ये भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सब ज्ञान रखते हुए जब हम कर्म करते हैं कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है,
तो मैं भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करूं तो ये कर्म योग बन जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ भगवान बता रहे हैं, भक्ति युक्त कर्म, भक्ति युक्त होके कर्म करना। मैं अपना हाथ पैर भी हिला पा रहा हूँ या कुछ काम कर पा रहा हूँ, इसी शक्ति भी भगवान दे रहे हैं। ये शक्ति मैंने थोड़ी पैदा करी है। कई लोग कमजोरी हो जाती है, उनके हाथ पैर हिलाने में उनको दर्द होता है, दुख होता है, तो दवाइयां खाते हैं। शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, क्यों? शक्ति धीरे धीरे जा रही है। शक्ति हमारे वश में नहीं है, हमारी शक्ति हमारे वश में है ही नहीं, ये कभी भी हमसे ले ली जा सकती है। तो जब तक ये हमारे पास है तो इस शक्ति को भगवान की सेवा में लगाने को भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि भक्ति युक्त कर्म। हम कर्म करेंगे कोई भी और सोचे करेंगे कि कृष्ण की कृपा से ही मैं कर पा रहा हूँ, वरना मेरे बस की बात नहीं है करना है। और नित्य प्रति मन में भगवान को धन्यवाद देंगे तो उसको भगवान ने श्रेष्ठ बोला है। ऐसा व्यक्ति कमल के पुष्प के समान होता है। कमल का पुष्प जैसे कीचड़ में रहता है, उसे चारों तरफ कीचड़ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक छोटी सी यहाँ प्रेजेंटेशन है। जो कमल का पत्ता होता है, पहले अध्याय से लेके दूसरे अध्याय 12वें अध्याय तक भगवान ने यही बताया कि कर्तव्य का हमें क्या करना है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें निर्वाह करना है। आप सभी को प्रेजेंटेशन मोड दिख पा रहा है या पिछली स्क्रीन ही दिख रही है? प्रेजेंटेशन दिख रही है प्रभु? नो प्रॉब्लम, नहीं दिख रही है। अच्छा, अभी दिख रही है? जिस प्रकार से यहाँ पर चित्रित है कि कमल, हमारा जीवन जो है एक कमल के पत्ते के समान है, होना चाहिए कमल का पत्ता। कर्तव्य अपना पालन करें बस, आसपास के वातावरण से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। और कर्तव्य क्या है? भक्तों का संग करना। किस प्रकार से हम उस विचारधारा को प्राप्त कर पाएंगे कि हम कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करें? अपने आप तो होने वाला नहीं है, अपने आप तो हमारा समय देखिए किस किस चीजों में जाता है। जब हम खाली होते हैं या तो टीवी देखते हैं या चलचित्र देखते हैं या कोई म्यूजिक सुनते हैं या नॉवल पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं या सांसारिक लोगों का से बातचीत श्रवण करते हैं। इससे हमारा विचार कहाँ कहाँ घूमता है? संसार में ही रहता है। कोई हमने सीरियल, कोई कार्टून या कुछ भी देखा हमने, तो उस जिस परिस्थिति में वो बनाया गया है वो परिस्थिति हमारे को प्रभाव डालती है। तो भगवान का चिंतन नहीं हो सकता, ना ही भगवान का चिंतन संसारिक कथनों से, संसारिक विचारधारा से होता है। तो कैसे कर पाएंगे हम कृष्ण भाव नम्रत कर्म? कैसे भक्ति में कर्म में लिप्त हो पाएंगे? तो सर्वप्रथम जरूरी क्या है? भक्तों का संग करना। जब भक्तों का संग करेंगे तो संग में शक्ति है। कृष्ण भाव भक्तों का संग करना, अगर आप कुछ देखना ही है टीवी में तो कोई किसी भक्त का प्रवचन सुन सकते हैं या मंदिर जा सकते हैं, मंदिर में भक्तों का संग कर सकते हैं, या फिर घर में ही परिवार सहित बैठ के भगवत गीता पे चर्चा कर सकते हैं, कोई पेंटिंग भगवान की देख सकते हैं, उस पेंटिंग पे डिस्कशन कर सकते हैं। ये इनके इन प्रकार हैं, अपने भाव को, मन को कृष्ण में लगाने का प्रयास करने को भक्ति कहा गया है। 24 घंटा जो इस विचारधारा में रहता है, कृष्ण भगवान कृष्ण के बारे में स्मरण में रखता है, तो निश्चित रूप से उसको भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। 24 घंटा तो भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए तो कि हमें उसका प्रयास करना चाहिए। तो भक्तों का संग करने से हम कृष्ण भावनामृत होंगे और कृष्ण भावनामृत होने के बाद हम अपना कर्म फल, हम कर्म कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। और हमारा कर्तव्य क्या है? कृष्ण भावनामृत कर्म, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी और कृष्ण के लिए कर्म करना है। शास्त्रों का अध्ययन दूसरा प्रोसेस है। भगवद गीता, श्रीमद भागवत ऐसे ग्रंथों का अध्ययन हमें करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हमें काम कर सकते हैं। कीट पतंग मच्छर मक्खी या फिर कोई कीड़े मकोड़े बन के अगर पैदा हो गए, या वृक्ष कोई देखिए, वृक्ष का जीवन
कितना दुखदाई है, ठंड में बरसात में हर समय बाहर खड़ा रहता है, उसमें जीवन है ये, तो विज्ञान भी इस समय प्रूफ कर चुका है। आप सबने पढ़ा ही होगा डॉक्टर जेसी बोस, उन्होंने बोला कि प्लांट्स हैव लाइफ, प्लांट में जीवन है, तो इनमें जीवन, इनको भी दुख होता है, इनको भी कष्ट होता है, पेड़ काटा जाता है तो पेड़ को कष्ट होता है, तो ये सब चीजें वो उसमें, क्योंकि उसमें भी एक जीव है, ये जीवात्मा अंदर बैठी है जो कि उसने वृक्ष रूपी शरीर को धारण किया हुआ है, तो ऐसा शरीर लेके पैदा होगा तो कहाँ भगवत गीता भगवत कथा का चर्चा हो पाएगी फिर। वो तभी संभव है जब मनुष्य शरीर में हमें ज्ञान हो, ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर में जब मुझे ज्ञान होगा तभी मैं भगवत चर्चा भगवत ज्ञान समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, और उसके बाद अपने जीवन को हम कृष्णमय कृष्ण कर्म में लगा सकते हैं। भगवान के कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के नाम जप क्लेशाग्नि और शुभदा, तो ये तीसरा प्रोसेस है भगवान के नाम का जप करना। कैसे हम कर्तव्य पालन कर सकते हैं अपना, क्या कर्तव्य है कि हमें भगवान के शुद्ध नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति, भगवत चेतना हमारी जागृत होगी, और भगवत चेतना जागृत होगी तो कृष्ण भवन भावित कर्म होगा, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ है कर्म का त्याग कर दो। पहला तो श्रेष्ठ भगवान ने बताया कि कर्म का त्याग या कृष्ण भावनामृत होके कर्म करना, दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन इन दोनों में से भी अगर श्रेष्ठतर देखा जाए तो कृष्ण भावना भावित होके कर्म करना श्रेष्ठतर बताया गया है। और कृष्ण भावना भावित होके कर्म करना हम कैसे सीख सकते हैं, ये चार पांच पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि आप भक्तों का संग करें, आप शास्त्रों का अध्ययन करें, आप नाम जप करें और प्रसाद सेवन करें। कुछ भी ना ऐसा खाएं जिसमें जो भगवान को अर्पित ना हो, हर चीज भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इससे क्या होगा कि हमारा मन धीरे धीरे कृष्ण भावना युक्त होगा। शास्त्र वर्णन करता है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो ये तीन शास्त्र की बातें हैं, इसको हमें अमल करना चाहिए। तो जिस प्रकार का, जिस किसी का भी अन्न खाएंगे आप वैसा मन बन जाएगा। अगर किसी ने बुरी विचार रख के कोई अन्न बनाया तो वो बुरे विचार उसके मन में जो थे वो अन्न के माध्यम से आपके मन में आ जाएंगे। ये शास्त्र वर्णन करता है अन्न में बड़ा, अन्न जिसका हाथ का अन्न खा रहे हैं, इसलिए भगवान को अर्पित भोग लगा के बहुत जरूरी खाना। इसलिए जो भक्त समुदाय होता है वो बाहर कहीं खाना नहीं खाता है, या कहीं होटल में कहीं जाने की आदत नहीं होती है, क्योंकि क्योंकि जो भक्ति के प्रति सीरियस है, जो कि अपनी साधना को बचा के रखना चाहते हैं, क्योंकि साधना क्या है, साधन रूपी जो वृक्ष है हमारे अंदर लगा हुआ है, ये एक एक छोटा ट्विग है, ट्विग मतलब कि बहुत कमजोर पौधा है। इस पौधे के आसपास वीड्स क्या क्या है, वीड्स यानी जो 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 ऐसी पैदावार जो उस पौधे का पानी खींच लेती है, बुरे संग, बुरा संग समझिए आप, या आज या खान पान सही ना होना। तो जो भक्त होता है, जो भक्ति के प्रति सीरियस है, जिसको कि वास्तव में साधन भक्ति में अपने को आगे बढ़ाना है, जिसको वास्तव में भगवत प्राप्ति का उद्देश्य लेकर जो चल रहा है, वह व्यक्ति अपने इस भक्ति रूपी लता को बहुत संजो के रखता है, बचा के रखता है, दुनिया से दबा ढका के रखता है, कहीं इस पे कोई आँच ना आ जाए, और वो सब प्रोसेस को फॉलो करने का प्रयास करता है। क्योंकि अन्न बाहर खाएंगे एक बार या दो बार बाहर होटल में कहीं पर खाना खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी प्रवृत्ति बन जाने पर क्या होता है कि जो व्यक्ति वो भोजन पका रहा है उस व्यक्ति के मन में क्या भाव है हमें नहीं पता। क्या पता वो किसी से झगड़े का विचार करके भोजन पका रहा हो, क्या पता उसको सेवन ना मिला हो, या उसको उसकी सेविका यानी कि उसकी सैलरी ठीक से ना मिली हो तो अपने मालिक के प्रति उसके अंदर रोष हो, या कोई भी भाव, काम भाव या फिर या किसी प्रकार का भी निकृष्टतम भाव उसके मन में जैसा भी होगा, जिसने अन्न पाया है, तो वो अन्न अगर हम पालेंगे जो भक्ति साधना कर रहे हैं तो साधना भंग हो जाती है वहां पर, वो विचार हमारे मन में आ जाते हैं और हमारी भक्ति लता, जो भक्ति रूपी लता हमारे हृदय में जागृत हुई है, उसको उसको हमेशा चोट पहुंचती है।
तो इसलिए जो प्रसाद सेवन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताया गया है कि आप जो भी भोजन करें वो प्रसाद हो, भगवान को अर्पित करें। भगवान फिर क्या करेंगे, भगवान उस अन्न से पाप निकाल देंगे। जो उस अन्न में पाप के विचार होंगे, भगवान का झूठन मिलने पे, भगवान को स्वीकार करने पे ही वो पाप विचार उस अन्न से निकल जाएंगे और फिर आप उसको भोजन को कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मांस मछली अंडा भगवान को भोग लगा दिया, कई लोग करने का प्रयास करते हैं, चलो इसमें पाप निकल जाएगा लेकिन हम मांस मच्छी अंडा खा लें, भगवान ने उसको निषेध किया है शास्त्र में। गीता में भगवान कहते हैं क्या क्या चीजें भगवान स्वीकार करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्ता पृष्यति तदम भक्ति रूपर्थम अश्नामी प्रेतात्मनः। पत्र पुष्प फल और दूध से बनी हुई चीजें या स्वयं पत्तेदार सब्जी शाक सब्जियां या जो भी आपका गेहूं आटा चना दाल ग्रेन्स जो भी हैं, पत्र पुष्प फल दूध और दूध से बने उत्पादन फल, ये भगवान स्वीकार करते हैं कोई प्रेम से उत्पाद उनको भगवान को समर्पित करता है। इसके अलावा कुछ नहीं स्वीकार करते भगवान। हाँ तो प्रसाद सेवन भी एक ऐसी प्रवृत्ति है जो आपको आपके कर्तव्य पालन में सहायक बनेगी, कृष्ण भावना भावित कर्म करने में सहायक बनेगी अगर आपने प्रसाद सेवन किया है भगवान का, भगवान का ही उच्चिष्ट आपने प्रसाद लिया है। कमल के पत्ते के समान जीवन जीने का अर्थ क्या है, फल की इच्छा ना करें किसी प्रकार की भी, फल की इच्छा ना करें अर्थात कि हम जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का के प्रति हमारी आसक्ति के फल के प्रति हमारी आसक्ति ना हो, हमें कर्तव्य का बोध रहे बस कि मुझे कर्म करना है, अब उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि बुरा मिलेगा इसका हमें सरोकार नहीं है, कुछ हमें कैसा भी रिजल्ट मिले तब हम कमल के पत्ते के समान, जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में भी खिला रहता है और जो है फल मतलब कि सभी पुष्पों का राजा है कमल, और क्यों जबकि कीचड़ में उग रहा है लेकिन कीचड़ की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं होती है, भले पूरा पूरा कीचड़ में पौधा है लेकिन एक बूंद कीचड़ की उसके ऊपर नहीं होती है। इसी प्रकार से जो जीव जो मनुष्य अपना जीवन ऐसे बिताता है कि संसार की गंदगी संसार के बुरे विचार उसके मन में ना आ पाए तो वह व्यक्ति कमल के पुष्प के समान है, और ये सारे तरीके बताए गए हैं कैसे कमल के पुष्प में जीवन बिताया जाए, फल की इच्छा ना करें। और तीसरा है इंद्रिय संयम, संयम में जीवन को जीने का प्रयास करना है, जीवन में संयम अगर नहीं है तो पशु के समान जीवन है। आहार निद्रा भय मैथुनंजा मनुषा पशु नाम एक समाना, सिर्फ चार प्रकार की चीजें मनुष्य में और पशु में एक समान है, अगर हम में भी वही इंद्र संयम नहीं है तो पशु की तरह ही जीवन है, फिर क्या बेटर हुआ, हम भले ही बड़े बंगले में रह रहे हैं या बड़े मकान में रह रहे हैं और पशु सड़क पर घूम रहा है, जो इंद्रिय सुख उसे सड़क पर मिल रहा है वही इंद्रिय सुख आपको बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स और 5-स्टार होटल या फिर घर बड़े बड़े घरों में मिल रहा है, कोई अंतर नहीं है। किसी सुअर को या किसी सुअर को या कि पिग को अगर आप छोले भटूरे की प्लेट रखेंगे सामने उसके तो उसे चखना तो दूर उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, वो उसका ध्यान कहाँ होगा, उसका ध्यान होगा विष्ठा की तरफ जो गंदगी है नालियों की गंदगी, वहीं पे ही उसका ध्यान जाए क्योंकि उसको वहां जो सुख मिल रहा है जो सुख की परिकाष्ठा उसे वहां प्राप्त हो रही है वो उतनी ही बढ़िया है जितनी सुख की परिकाष्ठा हमें छोले भटूरे खाने में या किसी बड़े अच्छे होटल में अच्छा खाना खाने में मिलती है, सुख के लेवल में कोई अंतर नहीं है, जो सुख उसका वहां पर है वही सुख हमारा भी है। तो खाली खाने के लिए जीवन जो जीता है और इंद्रिय संयम के बिना जो खान कर रहा है वो एक शुअर की भांति सुख की मतलब अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका ध्यान सारा उसी में ही है। और इंद्रिय संयम में धर्म के चार स्तंभ हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इंद्रिय संयम के अंतर्गत चार स्तंभ आते हैं। पहला स्तंभ क्या है, सत्यता, दया से शुरू करते हैं, दया, दया मतलब कि दूसरे जीवों के प्रति दया रखना, मांसाहार नहीं करना, मांसाहार करने से क्या होता है कि जीव हिंसा होती है,
जीव हिंसा से दया भाव चला जाता है, मन से निर्दयी हो जाते हैं इंसान। तो दया जो है धर्म का स्तंभ है, खंडित हो जाता है। दूसरा है सत्यता। सत्यता का खंडन होता है जुआ खेलने से। जो अगर आप जुआ खेलते हैं, जुए में झूठ बोलना पड़ता है, तो जुआ खेलने से किसी प्रकार का जुआ निषेध है अगर आप धर्म को फॉलो करना चाहते हैं। तप, तप अर्थात ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी यानी किसी प्रकार का नशा नहीं करना, इसमें चाय कॉफी भी आता है। प्रयास करिए चाय कॉफी भी ना लें, क्योंकि चाय में कैफीन है, चाय में टैनिन नाम का प्रोडक्ट मिलता है और कॉफी में कैफीन नाम का एक नशीला पदार्थ पाया जाता है। ये कैफीन और टैनिन दोनों ही नशीले टोबैको कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं और नशीले प्रोडक्ट्स हैं। जो साधन भक्ति कर रहा है, जो साधना कर रहा है भगवान की, वो किसी प्रकार का भी अगर नशा करता है तो उसकी साधना में उसके जो उसका जो भक्ति रूपी लता है उसको खंडन, उसको चोट पहुंचती है। तो इसलिए चाय कॉफी भी निषेध है। पीने में कोई बुराई नहीं, आप पी सकते हैं, आप जितना अगर आपको उसका चाय कॉफी का अगर सेवन करना है, लेकिन भक्ति फिर आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सभी फल चले जाएंगे। इतना प्रयास किया, भगवान का नाम जप किया, सब कुछ किया, गीता भागवत अध्ययन किया, लेकिन चाय कॉफी से ध्यान नहीं हट पाया, तो जहां थे वहीं खड़े रह जाएंगे, क्योंकि भक्ति रूपी लता आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए नशा भी में चाय कॉफी निषेध है। उसी प्रकार से जो दया के अंतर्गत जो मांसाहार नहीं करना, मांसाहार में प्याज लहसुन भी आता है। प्याज और लहसुन खाने से भी मांसाहार खाने के बराबर फल मिलता है। तो इसलिए जो साधन भक्ति कर रहे हैं वो प्याज लहसुन को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए उद्देश्य क्या है? उनके लिए तो उद्देश्य है कि मेरी साधना एकदम स्ट्रांग हो जाए, एकदम परिपक्व हो जाए। अगर किसी को चॉकलेट का स्वाद लग गया है, वो 25 पैसे की टॉफी क्यों पीछे पड़ेगा फिर उसके? वो उसको 25 पैसे की टॉफी अच्छी लगेगी नहीं अपने आप फिर, क्योंकि उसे चॉकलेट का स्वाद लग गया है। और चॉकलेट क्या है? कृष्ण भक्ति। जिसको कृष्ण भक्ति, कृष्ण साधना, ऑस्टेरिटी और साधन भक्ति, तपस्या का स्वाद जिसको लग गया है, वो निम्न इन सुखों के पीछे अपने आप नहीं जाता, छोड़ देता है इन सब चीजों को। इन सब में सुख थोड़ी है, क्षणिक सुख है इन सब चीजों में। तो और चौथा धर्म का स्तंभ क्या है? पवित्रता। पवित्रता यानी कि प्योरिटी। प्योरिटी आती है अपने इंद्रियों को संयम करने से, पर स्त्री माता समान, पर पुरुष पिता समान, इस भावना को रख के जीवन जीते हैं। और एक निष्ठ भाव से धर्म परायण होके जो जीवन जीते हैं उनको अवश्य भगवान की प्राप्ति होती है, और वो कृष्ण भावना भावित कर्म करने में सफल हो पाते हैं। जो भगवान ने कहा है कि कृष्ण भावना भावित कर्म श्रेष्ठ है, अगर उस प्रकार का कर्म आपको करना है तो इन नियमों को तो कमल के पत्ते के समान हमें अपने जीवन को थोड़ा बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। और कमल के पत्ते कैसे बना पाएंगे? ये जो यहाँ पर वर्णन है चीजों को, इनको फॉलो करके। अगर इनमें से कुछ भी चीज खंडित होती है तो हमारे जीवन में फिर बुराइयां प्रवेश करती हैं और फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते भक्ति क्षेत्र में। तो एक अध्याय, एक श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक इसी का ही वर्णन है, जिसमें हम भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि कोई भी कर्म फल से घृणा ना तो कर्म फल की इच्छा करता है। ये सब भगवान वो सब गुण बना रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण भावना भावित कर्म किया जाए, कैसे भक्ति युक्त कर्म किया जाए। कर्म फलों को ना में घृणा करनी, ना उनकी इच्छा करनी है। वो नित्य सन्यासी की भांति जीवन जीता है, भले ही वो जंगल में ना रहे। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषण का अध्ययन सांख्य से भिन्न करते हैं। जो वस्तु ज्ञानी होते हैं, इनमें से किसी एक मार्ग को भली भांति अनुसरण करता है, वे दोनों ही फल प्राप्त कर लेता है। तो कौन कौन से मार्ग बताए गए थे अभी? या तो कर्म फल का त्याग या भक्तिमय कर्म। भक्तिमय कर्म को सांख्य योग भी कहा गया है, कर्म योग। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अभी आपको भगवद गीता वाली स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, या दिख रही है पता नहीं, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। मैं दोबारा स्विचेस में कर लिया, अभी दिख रही।
भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। तो इसलिए सुखी अगर बनना है तो हमें कृष्ण भावनामृत कर्म करना पड़ेगा। खाली हम पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, मांस मच्छी अंडा भी खा रहे हैं, और तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। अपने आप को, स्वयं को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि धर्म के इन विचारों को पालन करना बहुत आवश्यक है। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आपके संस्था में बड़े नियम हैं, इन नियमों से कैसे हमसे हो नहीं पाता, चाय कॉफी कैसे छोड़ दें, कैसे प्याज लहसुन खाना छोड़ दें, कैसे हम वो उसमें देखिए, इसमें यह है कि ये नियम जरूर हैं लेकिन नियम हमें हम पे दिए गए हैं ताकि हम, क्योंकि ये सस्ता ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं है कि आपको बोल दिया गया है कि भाई ठीक है आप सब कुछ करो और आपको भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे। इतना सरल नहीं है भगवान को प्राप्त करना। हम क्या करने जा रहे हैं, पहले उद्देश्य हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण जो कि पवित्रम ओम, जो संपूर्ण पवित्र परमेश्वर, उनकी प्राप्ति करने जा रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा तो हमें अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट से मिलना हो किसी देश के, तो आपको कुछ तो अपने अंदर योग्यता लानी होगी, कुछ तो प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके तो मुलाकात होगी प्रेसिडेंट से, तब जाके प्रेसिडेंट पूछेगा भाई कौन है ये व्यक्ति, जब हमारे अंदर योग्यता नहीं किसी प्रकार की, तो हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए सस्ता ज्ञान नहीं है भगवान को प्राप्त करना, इसीलिए बहुत लोग छोड़ देते हैं भक्ति करना भी, क्योंकि उनसे हो नहीं पाता। अर्थात क्या कि वो उनको इंद्रिय विषय, इंद्रिय चिंतन ज्यादा श्रेष्ठ लगता है, भगवान के बारे में विचार रखते हुए भी आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब झूठ है, कपोल कल्पना है, ये विचार हावी होने लगता है फिर मन पर, और धीरे 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 व्यक्ति भक्ति को छोड़ देता है। तो इससे बचना है, बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि हमारी भक्ति रूपी लता जो है बहुत कमजोर है भी, इसको प्रोटेक्शन देना चारों तरफ से, इसकी इसकी फेंसिंग करके रखना, प्रोटेक्शन देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें। यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग सुखी नहीं बन सकता। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा में अपने मन इंद्रियों को वश में रखता है, उसका ही मन वश में हो पाएगा, जो भक्ति भावना जो कि कर्म फल का त्याग करके आगे बढ़ रहा है और कमल के पत्ते के समान जीवन जी पाएगा। दिव्य भावनामत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श सूंघते खाते चलते फिरते सोते श्वास लेते समय अपने अंतर में सदैव ये जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते आंखें खोलते बंद करते जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, वह इन सबसे पृथक है। तो ये हमने चर्चा करी कि सब कुछ भगवान द्वारा ही प्रदत्त हो रहा है, और ये जो दिव्य पुरुष होते हैं जो हैं वो सही इस बातों को जानते हैं कि सब कुछ करने कराने वाले तो ईश्वर है, कृष्ण है, मुझे तो सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। मैं क्यों संसार में मैं अपने आप को प्रूव करने नहीं आया हूं, मैं कृष्ण सेवा के लिए आया हूं। जो व्यक्ति कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपने कर्म करता है, पाप कर्म उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल में से स्पर्श रहता है। तो 10वें श्लोक में भगवान ने स्वयं ने कहा कमल पत्र की भांति जो व्यक्ति अपने कर्म फल का त्याग कर देता है, यानी कि जो कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होता और जो सिर्फ आसक्ति रहित होकर अपने 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 कर्म करता है, अपनी ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है, व्यक्ति कर्म फल की भांति कमल पत्र की भांति अस्पर्श रहता है, मतलब उसको बुराइयां उसको कीचड़ छू नहीं पाती। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही केवल शुद्धि से कर्म करते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसने कर्म फल को भगवान पे छोड़ दिया, भगवान मैं से मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, उसमें सक्सेस मिले फेलियर मिले, मेरा कुछ आगे उत्थान हो या ना हो, आपने मुझे कर्म दिया है, मैं कर्म कर रहा हूँ आपकी आपकी संतुष्टि के लिए, उतना भर मेरा उद्देश्य है। जो ये जीवन जीता है भगवान समर्पित होके, वो तर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति फल कामी है, चाहे सोचता है कि मुझे कुछ
हासिल करना है और उसके लिए वो उसके लिए प्रयासरत रहता है और खुद ही उसका उपभोग करता है, वो बंध जाता है संसार में। अब 13वें से लेके 26वें श्लोक तक जो वर्णन हुआ है उसमें वर्णन हुआ है कि अब कितने प्रकार के कर्ता होते हैं। कर्म की तो भगवान ने बात करी, लेकिन कर्ता कौन कौन है? कर्ता मतलब जो कर्म करने वाले हैं। तो तीन प्रकार के कर्ताओं की विवेचना हुई है, उसको पहले हम स्लाइड के माध्यम से समझेंगे और फिर श्लोक के माध्यम से हम उसको पढ़ेंगे। तीन प्रकार के कर्ता, मैं भगवान ने पहले बताया कि शरीर, जो शरीर से कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ करने वाला है, जो सोचते हैं कि शरीर के माध्यम से ही सारा काम हो रहा है, शरीर ही करने वाला, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है। एक तो इस शरीर के माध्यम से काम करने शरीर वाले को नौ द्वारों वाली नगरी से संबोधित किया गया है भगवद गीता में कि ये जो ये शरीर हमें मिला है ये नौ द्वारों वाली नगरी है, इसमें नौ प्रकार के द्वार है, दो आंखें, दो कान, नथुने, जीवा, मुंह और हमारे जनेन्द्रियाएं, उपस्थान, ये सब इस प्रकार से नौ द्वार हैं पूरे शरीर में सभी के, हम सभी के, और हम सभी इस नौ द्वारों वाली नगरी में रह रहे हैं। एक प्रकार का नगर है ये। इस नगरी का उद्देश्य भोग करने की सुविधा। ये क्यों बनाई गई? क्योंकि हमारे अंदर भोग करने की इच्छा थी, इसलिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के योनियां यहाँ पर संसार में उपस्थित हैं। उसमें मनुष्य योनियां हैं, पशु योनियां हैं, जलचर योनि हैं, नभचर योनियां हैं और कई प्रकार के जानवर हैं, कीट पतंग हैं। ये सभी को नौ द्वारों वाली नगरी प्राप्त हुई है और अलग अलग भोग प्रवृत्ति के अनुसार। और जब तक ये भोग प्रवृत्ति रहती है तब तक शरीर बदलता रहता है, तब तक एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे अनंत काल से पता नहीं हम सब कितना शरीर बदल चुके हैं, हमें किसी को कुछ ज्ञान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी दुखद स्थिति है कि हम समझते हैं कि यही जो हमारे सामने जीवन घटित हो रहा है यही सब कुछ है, ये 50-70 साल का जीवन जो है, वास्तव में ये सच्चाई नहीं है। टू बी वेरी फ्रेंक, आपको सच लगे या झूठ लगे, शास्त्र दृष्टिकोण से ये सच नहीं है। शास्त्र दृष्टिकोण से आपके कई जन्म हो चुके हैं, कई नगरियों को बदल चुके हैं आप। जीवात्मा को एक प्रकार से बताया गया है, एक प्रकार का पर्यटक है जीवात्मा, जैसे ये जो यात्री एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर तीसरे शहर घूमता आ रहा है पता नहीं कितने जन्मों से, ये शास्त्र बोलता है हमें। और एक ही खोज रहती है, किस प्रकार सुखी रहे, बस हर जन्म में यही यही बोध है, बस कैसे सुखी हो जाए। इंडिया में थे तो ये बोध हुआ कि यूएस चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, यूएस में 5-6 साल 7-8 साल बिता लिए तो कई बार मन में आता रहे इंडिया ही अच्छा था, वहां पे सुख ज्यादा है, कम से कम परिवार वाले, आसपास पड़ोसी जन ये सब तो हैं, कहने सुनने के लिए कुछ तो है। यूएस में तो चार माइक्रो फैमिलीज में सिमट के रह गए, तो सुख यहाँ नहीं है, जो कल्पना करी थी सुख की वो सुख है ही नहीं। तो अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? सुख को प्राप्त करना, लेकिन वो सुख मिला नहीं। ऐसे सुखों को हम कई जन्मों से तलाशते आ रहे हैं, अब जाके मनुष्य शरीर मिला है, पता नहीं हर 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 योनि में, हर जन्म में सुख को तलाशा गया, हर योनि में, हर नगर में हमें प्रवेश मिला। जिस जिस नगर में हमें प्रवेश मिला वो नौ द्वारों वाला नगर जो था उसमें हमने सुख को खोजना चाहा पर सुख नहीं मिल पाया, लेकिन अंत में परिणाम क्या मिला हमें? कष्ट ही मिले। क्या कोई बोल सकता है कि उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है? कोई नहीं बोल सकता इस बात को। कष्ट है हमारे जीवन में, हम एक्सेप्ट करते हैं कि कष्ट है, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे उन कष्टों को दूर करने के लिए। यही विडंबना है, इसे ही माया बोला गया है। दिस इज इल्यूजन। सभी लोग इल्यूजन में जी रहे हैं, कोई सीरियसनेस किसी प्रकार की हमारे अंदर वो आग जिसे कहते हैं नहीं लगी हुई। कैसे इन कष्टों से निकले बाहर? क्यों नहीं हम शास्त्र अध्ययन कर सकते? क्यों नहीं हम शास्त्र चिंतन कर सकते पूरी दृढ़ता से? क्या कमी है? क्या क्या
क्या परेशानी क्या है, क्यों नहीं भगवत के भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हो सकते हैं हम? हमें कष्ट स्वीकार है लेकिन हमें भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं है, भक्ति नहीं कर सकते हम, ऐसा क्यों? तो इसलिए हम इस इतने हमारी सीरियसनेस, हमारा जो जो व्यवहार है उसके प्रति कमी के कारण हमें जीवन में कष्ट मिल रहे हैं, और एक अकल्पनिक सुख को हम सोच रहे हैं कि ये अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, अब शायद कुछ कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा, अब की बार अगर वीजा एक्सटेंड हो गया तो सुख मिल जाएगा, अब की बार अगर जिन जो H1 वीजा पर जिनके ग्रीन कार्ड हो गए उनका तो उनके बात दूसरी है, जो US में रहने वाले जिनके बेचारों का ग्रीन कार्ड अभी नहीं हुआ है वो सोचते हैं ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। किसे पता सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, इस संसार का नाम ही दुखाले है, तब और दूसरी परेशानियां हैं। कोई गारंटी संसार में इस बिटर ट्रुथ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए संसार में, क्योंकि ये जब तक हमें इस कल्पना वाले जीवन में जी रहे ना कि हम सुखी हैं हम सुखी रहेंगे, तब तक हम इस असलियत से हम पहचान नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? मृत्यु। कोई चाहता नहीं मृत्यु आ जाए, लेकिन फिर भी कई लोग मृत्यु के नाम से घबराते हैं, लेकिन वो अल्टीमेट दुख है। उससे मैं नहीं चाहता मैं मरूं, मैं क्यों मरूं, व्हाई शुड आई डाई, लेकिन मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं क्या करूं उसको मुझे एक्सेप्ट ना करना पड़े, उसके लिए भगवान ने सोल्यूशन दे रहे हैं। उस सोल्यूशन को हमें समझना बहुत जरूरी है ताकि अगली बार मृत्यु ना हो। लेकिन जब तक इसको हम सीरियसली नहीं समझेंगे तब तक इस 9 द्वारों वाली नगरी में भटकते रहेंगे। आज एक अलग प्रकार की नगरी मिली हुई है, कल को दूसरी नगरी मिल जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा, जाना ही पड़ेगा, मजबूरी में भी चाहे कैसे भी, जिस प्रकार कर्म होंगे जाना ही पड़ेगा, वो 9 द्वारी नगरी में घुसना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है, ये नेचर का नियम चलता आ रहा है। इसलिए इस प्रक्रिया से कष्ट ही मिलते हैं, अकल्पनिक सुख। ये नगरी कैसे प्राप्त होती है? हमारी इच्छाओं पर निर्भर है, हमारी योग्यता पर निर्भर है। तो जैसे हमारे कर्म होंगे उस प्रकार की नगरी हमें मिल जाएगी, जिस प्रकार की हमारी इच्छाएं होंगी, डिजायर होगी, उस प्रकार की नगरी हमें मिलेगी। तो एक प्रकार से भगवान एक प्रकार से हमें सहायता दे रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। मेरा मन करता है कि आज मैं US में नहीं हूँ, इंडिया में रहते रहते लोग व्यक्ति जो सोचते हैं कि अरे US नहीं जा पाए और शरीर छूट गया, तो अगले जन्म भगवान ठीक है जाओ US में रहो, तुम्हें सुखी चाहिए, सांसारिक सुखी तुम्हें चाहिए, तो ठीक है संसार सुखी, पृथ्वी पर फिर क्या कर रहे हो? स्वर्ग का सुख लो ना, फिर स्वर्ग में 100 गुना ज्यादा सुख है। सांसारिक सुख चाहिए तो वहां पर तो कोई बीमारी भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं आता है, नित्य नए अप्सराएं हैं उनके साथ, उनके और नित्य नए योग्य पुरुष हैं, सोम रस का पान कर सकते हो। तुम्हें भौतिक सुख की चाहिए तो स्वर्ग में जाओ। तो जिसको बहुत अत्यधिक सुख की प्राप्ति चाहिए वो स्वर्ग की कर्म कामना करता है, तो भगवान ठीक है जाओ स्वर्ग में जन्म लो, रहो वहां पर 10,000 साल 20,000 साल वहां पर जीवन जियो, एक दिन वहां पर भी आएगा कि वहां से भी धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, फिर से पृथ्वी पर आके गिरोगे। और सुख चाहिए तो तप लोक में जाओ, तप है वहां पर भगवान का, वहां नियमित रूप से भगवान का ध्यान करो, लेकिन वहां भी मृत्यु आ जाएगी एक दिन। भले ही वहां पर जीवन 50,000 साल का है, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, अगर सुखी भोगना है संसार का सुख तो उच्च लोगों की प्राप्ति करो आप, फिर क्यों संसार के में क्यों आप बैठे हो? इस संसार में तो कितना दुख कष्ट परेशानियां हैं, स्वर्ग लोक की इच्छा करिए आप, स्वर्ग लोक में भी जन लोक की इच्छा करिए, तप की करिए, ब्रह्म लोक की इच्छा करिए। जब ब्रह्म लोक का हमने देखा अभी पिछले दिनों पढ़ा 9वें अध्याय में, एक कल्प 1,000 चतुर्युग के बराबर खाली 12 घंटे है, उतनी लंबी रात है 1,000 चतुर्युग के बराबर, ऐसे 100 वर्ष तक का जीवन मिलेगा आपको, अनगिनत काउंट भी नहीं कर सकते इतनी लंबी आयु है। लेकिन परेशानी क्या है, एक दिन तब भी वहां ऐसा आएगा कि शरीर छोड़ना पड़ेगा, तब जाके किसी व्यक्ति का मांसा ठनकता है, तो क्या करूं मैं, शरीर ना छोड़ना पड़े, वैकुंठ की प्राप्ति करिए, जाओ परे संसारिक लोक से, वैकुंठ जगत है, एग्जिस्ट कर रहा है, सच्चाई है ये, कोई झूठ बात नहीं है, एग्जिस्ट कर रहे समय, राइट नाउ इट इज एग्जिस्टिंग, वैकुंठ लोक रह रहे हैं वहां पर लोग, 3/4 जनता, 3/4 क्रिएशन वैकुंठ में है, ये संसार खाली 1/4 है, ये शास्त्र बोलता है। जस्ट लाइक इन जेल में जैसे खाली 1/4 होती है स्टेट की पॉपुलेशन, 3/4 जेल के बाहर है, तो 3/4 जनता जो है समय वैकुंठ में रह रही है, राजी खुशी अच्छे से एकदम,
कोई मृत्यु नहीं है वहां पर, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कृष्ण भगवान की सेवा है, परिवार है, सब कुछ है, वहां का जीवन, वहां की कल्पना क्यों नहीं कर पाते हम लोग? क्यों हमें विश्वास नहीं होता? क्योंकि हमें शास्त्र पे विश्वास नहीं, हमें दिखता है बस यही संसार, इस प्रकृति के संसर्ग में आके इसी के अनुसार जीवन जीने की इतनी आदत लग चुकी है हमें कि हमें इससे परे सोचा ही नहीं जाता कुछ, और इन्हीं संसार में ही हमारी इच्छाएं निर्भर होकर रह जाती हैं, बस यही है, बस यही कुछ कर लें जो कर लें, बाकी किसने देखा है जी क्या होगा आगे क्या। शास्त्र पे विश्वास रखना बहुत आवश्यक है, जैसे कमल का पत्ता, हमने समझा ना पिछली बार, शास्त्र पे अध्ययन करना, गीता भागवत का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गीता भागवत इज जस्ट लाइक ए जीपीएस, गोलोका पोजिशनिंग सिस्टम, वो बता रही है कि देर इज सम प्लेस एग्जिस्टिंग, जाओ वहां पे जा सकते हो आप, क्यों नहीं प्रयास कर रहे हो, मनुष्य शरीर मिला है, ट्राई वंस, पुट योर ऑल एफर्ट, एक बार डालो तो सही। लेकिन जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम इन्हीं संसार में घूमते रहेंगे। इस नगरी का स्वभाव क्या है? बिना नियंत्रण के चलती है, हम चाहे कितना कोशिश कर लें, ये जो नौ द्वारों वाली नगरी है ये हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। आप चाहो कितनी एक्सरसाइज कर लो, कितना योगा कर लो, कितना जिम कर लो, जिम करते करते भी इंसान को हार्ट अटैक पड़ जाता है, कितने केस हो चुके हैं। अच्छी खासी बॉडी बनाई, अच्छा खासा रोज मशक्कत कर रहे हैं, मशक्कत करते करते इस प्राण पखेरु उड़ गए। कहाँ कंट्रोल है हमारे ऊपर, हमें अपना, किसे कंट्रोल है बताइए? अगले क्षण का पता नहीं है, इस नौ द्वार वाली नगरी का ही सबसे बड़ा नुकसान है। क्या करें फिर? कृष्ण भावना व्रत कर, अपने भावनाओं में कृष्ण को बसाइए। कृष्ण भगवान, आपने ये संसार दिया है, इतने जन्म मैंने अपने लिए बिता दिए भोग के, अब ये एक जन्म मैं आपके लिए जीऊंगा, पूर्ण रूपेण आपकी अपनों अपनी भावनाओं में बसाऊंगा, आपके नाम का प्रचार में सहायक बनूंगा, आपके लिए कर्म करूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। मर्त न मरना तो वैसे ही है, शरीर तो वैसे ही छोड़ना है ना एक दिन, तो क्यों नहीं ये प्रयास कर सकते हैं? लेकिन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नौ द्वार नगरी में। दूसरे प्रकार का कर्ता कौन होता है? आत्मा। आत्मा अर्थात जो कि आनंद की आकांक्षा से इच्छा के अनुसार पाप पुण्य की प्राप्ति करता है, और जो इस नगर, जो इस भ्रम में नहीं होता कि मैं नगरी में, वास्तव में आत्मा रूपी जो इस नगर के अंदर जो जीवात्मा विद्यते है वो है आत्मा, और उस आत्मा के साथ परमात्मा रूप में एक और सुपर सोल एग्जिस्ट करती है। तो आप सभी के अंदर एक, आप स्वयं विराजित हैं और एक परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजित हैं। परमात्मा रूप में भगवान अंदर जो बैठे हैं वो अनुमंता और उपदेशंत, यानी और एक तो देख रहे हैं कि ये जीव कर क्या रहा है, 24 घंटे में क्या करता है, ये उनको प्रतिपल की सूचना प्राप्त है, और आपकी इच्छा जो होती है मन में उस इच्छा को पूर्ण करने में सहायक बनते हैं परमात्मा रूप भगवान। अनुमंता, अनुमंता ना अनुमान, अपना अपनी अप्रूवल देते हैं कि ये हो जाए। आपने इच्छा करी कि मैं खूब मेहनत करूं, खूब मेहनत करके खूब पैसा कमाऊं, खूब पैसा कमा के अपना अपनी सिचुएशन स्टेबल करूं, आपको क्या लगता है आपकी मेहनत से हो रहा है? शास्त्र वर्णन करता है कि भगवान की अनुमति हुई है तभी हुआ है, क्योंकि आपकी इच्छा थी, क्योंकि आप भगवान के प्रिय पुत्र हो, आप भगवान की प्रिय पुत्री हो, बच्चे हो भगवान के प्रिय। जैसे पिता से बालक इच्छा करता है, पापा मुझे कोई गाड़ी चाहिए खरीद के दे दो, या मुझे ये खिलौना चाहिए खरीद के, पिता को पता लग गया मेरे बेटे की इच्छा है ये, भले ही एक बार नुकसान अगर होना होगा, एक बार समझाएगा कि नहीं उसको मतलब नहीं, मेरी इच्छा है पापा मुझे खरीद के दो ना आप ये, तो पिता अप्रूवल देता है उस बात को ना। उसी प्रकार भगवान जब तक अप्रूवल नहीं देंगे कोई संसार का काम नहीं हो सकता आपका। तो जो भी काम हमारे जीवन में सफल होते आ रहे हैं वो भगवान की अप्रूवल के बाद ही हुए हैं, अगर उनकी मर्जी नहीं होती तो काम कभी नहीं होता आपके जीवन में। तो पूर्ति करता है भगवान आत्मा के स्रोत, मनुष्य को अर्जी, मनुष्य अपनी अर्जी लगाता है लेकिन ईश्वर की मर्जी चलती है, फिर होती है मनुष्य की अर्जी है, अर्जी तो अब लगा के रखेंगे हम ये भी कर लें वो भी कर लें, प्रेसिडेंट भी बन जाए, बन पाते हैं? नहीं बन पाएंगे। मन में इच्छा है कि प्रेसिडेंट बन जाए, कैसे बन पाएंगे प्रेसिडेंट? मन में इच्छा है कि आप 10 करोड़ मिल जाए, आपको करोड़पति हो जाए, नहीं हो पाएंगे। जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता, मौका है वैसे सिचुएशन बनेगी नहीं।
तो ये जो करता है तीन प्रकार के, ये इस प्रकार एक दूसरे से निर्भर करते हैं, डिपेंडेंट हैं, और वही इन श्लोकों बाकी श्लोकों में बताया गया है, 15 से लेके 26 श्लोक तक जो बताया गया। इसमें किंतु जब उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान में सब कुछ उस तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य की सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो जब तक हम इस ज्ञान से प्रकाशित नहीं होंगे तब तक हम आच्छादित रहेंगे। जब मनुष्य की बुद्धि, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से मुक्ति पथ को अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान, विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते, चंडाल और सामान्य दृष्टि संभाव से देखते हैं। तो जब ये वास्तव में ज्ञान प्राप्त होता है तो समस्त प्रकार के, समस्त जगह पर ये जो हमें कर्ता भाव जो आता है, कौन कौन है, शरीर शरीर क्या है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, जब इसका ज्ञान अनुमोदित होता है तो जो व्यक्ति भक्ति भाव से जीवन जी रहा है, जो विद्वान है, वो समस्त जीवों में भगवान के दर्शन करता है। समस्त समस्त जीव समस्त के व्यक्तियों के अंदर भगवान की उपस्थिति को वो अनुमोदित करता है कि सब जीवों में भगवान है, सबकी रिस्पेक्ट करता है वो। खाली फिर ये नहीं कि खाली मंदिर में ही भगवान की स्तुति करी, फिर वो हर जीव को समान दृष्टि से और श्रद्धा पूर्वक और किसी भी प्रकार से उनका तिरस्कार नहीं करता। जिसके मन एकत्व समता में स्थित है, उन्हें जन्म मृत्यु के बंधनों से पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना प्रिय को पाकर विचलित होता है, स्थिर बुद्धि मोहरित भगवत विद्या को जानने वाला पहले ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसे मुक्त पुरुष भौतिक सुंदर सुख की आकर्ष नहीं होता, ऐसे मुक्त पुरुष भौतिक इंद्र सुख आकर्ष नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तांत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा क्रोध के वेग को रोकने समर्थ होता है तो वे संसार के में सुखी रह सकता है। तो कुछ पॉइंट भगवान ऐसे बता रहे हैं कि हम इस संसार में रहते हुए कैसे सुखी रह सकते हैं, अपनी इच्छाओं, अपनी किस प्रकार से हम इंद्रिय सुख के वेगों को, इंद्रिय के वेगों को सहन कर लेंगे। इंद्रियों के वेग हमने समझे थे पिछले उसमें कि जो हमारे अंदर इंद्रिय संयम जो करना है, इनको अगर हम संयम करना सीख लें तो हम संसार में सुखी रह सकते हैं। जो लोग संशय से उत्पन्न द्वैत से परे हैं, उनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये कौन व्यक्ति बन पाएंगे जिन्होंने की उस कमल के पत्ते के समान जीवन जिया है और जो इस ये समझ चुका है कि वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, वो आत्मा है, उस नौद वाले शरीर से अपने को संबोधित नहीं करता और भगवत इच्छा से भगवान की प्रेजेंस को जानते हुए कि परमात्मा रूप में भगवान सभी के हृदय में स्थापित हैं, उस परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, व्यक्ति वास्तव में सुखी रह सकता है। जो क्रोध समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी संसिद्धि निरंतर प्रयास करते हैं, उन्हें मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित रहती है। जो आत्म संयमी है, ये सारे पॉइंट वही आ रहे हैं, आत्म संयमी अर्थात जिसने इंद्रियों को संयम कर लिया है, जो और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। संसिद्धि अर्थात जो आत्म साक्षात्कार की जो हमारी भावना है कृष्ण के प्रति, कृष्ण भक्ति के प्रति, उसके लिए जो निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में निश्चित है। और क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से जो रहित रहते हैं, किसी प्रकार की भौतिक इच्छा अगर उसके मन में नहीं होगी, ये हमने पढ़ा कि नौ द्वारों वाले शरीर में जब तक हमारी डिजायर रहेगी, इच्छा रहेगी, किसी प्रकार की संसार को भोगने की प्रवृत्ति रहेगी, तब तक हमें संसार, हमें नौ द्वारों वाला घर ग्रहण करना ही पड़ेगा।
और वो डिजायर के अनुसार हमें अगला शरीर मिलेगा, जैसी हमारी डिजायर है। तो संसार में रहते हुए हमें संसार की इच्छा नहीं करनी है, संसार में है तो हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा करनी है। काम सभी संसार के करने हैं, लेकिन कृष्ण की संतुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं। कृष्ण भगवान ने जैसा जीवन जीने को बोला है उसके अनुसार अपना जीवन अगर जिएंगे तो उससे क्या होगा कि निकट भविष्य में मुक्ति संभव है। उनतीसवां जो लास्ट श्लोक है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसमें भगवान वर्णन कर रहे हैं कि समान दृष्टि रखने वाला व्यक्ति जो है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कि वो किसी प्रकार से भी जो हमने कहा, जो भगवान ने अभी समान दृष्टि 17 से 26 श्लोक का वर्णन किया कि हर प्रकार हर व्यक्ति में जो व्यक्ति भगवान के दर्शन करता है और सभी में परमात्मा का निवास देखता है वो तीनों कर्ताओं को स्पष्ट दर्शन करता है। पहली बात तो ये कि वो देख लेता है कि शरीर वास्तव में जीव शरीर नहीं है, ये आत्मा है, ये वास्तव में आत्मा है, उससे परमात्मा इसके अंदर निवास कर रही है। तो मुझे परमात्मा की प्रेजेंस होने के कारण दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना है। प्रत्येक जीव में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है व्यक्ति। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि स्वाभाविक सहनशीलता आ जाती है हमारे मन में। कोई हमें अगर कोई दोषपूर्ण हमारे कोई विचार कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो हम सहन करना सीख जाते हैं। कोई बात नहीं, इनसे क्या बैर करना, ये परमात्मा रूप में सभी व्यक्ति हैं, तो किसी का नाम निरादर करना है ना किसी के किए हुए निरादर का अपमान महसूस करना है। वास्तव में सहनशीलता का भाव उजागर होता है, वास्तविक अनुकंपा अंदर तथा बाहर दोनों तरफ से अनुकंपा अर्थात आदर भाव या हमारे अंदर विचार पैदा होते हैं दूसरे के प्रति। अपने और दूसरों के अवास्तविक अपेक्षा का त्याग। कोई अगर अपेक्षा कर रहा है हमसे तो ये पॉइंट इसलिए यहाँ पे था क्योंकि कई बार मनुष्य संसार में अपेक्षा करते हैं दूसरे, अपने अपने लोगों की अपेक्षा रहती है, हमें ही अपेक्षा रहती है किसी से कि वो हमारा काम कर दे, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर वो अपेक्षा के पे खरे नहीं उतरते तो हमें दुख होता है। कह रहे हमने उनसे अपेक्षा करी, वो कम से कम इतना काम तो आ जाते हैं हमारे, लेकिन वो कर ही नहीं पाए। तो उस दुख से कैसे बचा जाए, उससे यही कि हमें वास्तव में सर्वप्रथम अपेक्षा नहीं करनी है किसी से, और दूसरा ये कि हमें कभी भी अगर अपेक्षा में कोई हमारे खरा नहीं उतरता है हमें बुरा नहीं मानना है सोच के, क्योंकि सभी कोई जीव भगवान के ही अंश हैं। अगर किन्हीं कारणों से वो हमारे अनुसार नहीं चल पाए तो उसमें भगवान की इच्छा हमें समझनी चाहिए। वास्तविक भाईचारा बढ़ता है इस भाव से और समस्त जीवों में परमात्मा के दर्शन करने से जो आपसी प्रेम है, आपसी भाईचारा है, उसमें बढ़ोतरी होती है। लास्ट श्लोक जो है शांति सूत्र 29वां श्लोक, उसमें भगवान बताते हैं कि भगवान को जाने शांति, क्योंकि भगवान को जानने मात्र से ही असल में शांति की प्राप्ति होती है। जो भगवान को नहीं जानता वही अशांत है, क्योंकि वो वास्तविक जानता ही नहीं किस प्रकार से जीवन जीना है, अपने मन के अनुसार जीवन जी रहा है। भगवान के अनुसार भगवान को जाने, अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि अपनी मनोकल्पना भगवान ना बना लें कि अरे तो भगवान कैसे होते हैं, जो भगवान ने कहा कि भगवान कैसे होते हैं, जैसा भगवत गीता में वर्णन है भगवान की परिभाषा, उसको अमल करना बहुत जरूरी है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, अब भगवान ने अब परिभाषा क्या दी है, जो भोक्ता में प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में समर्पित करे, हर चीज के भोक्ता भगवान है। ये सोच के मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, मकान है, परिवार है, ये सब भगवान की सेवा में लगा दे। कैसे परिवार को लगाएं, संतान को भगवान प्रति ज्ञान प्रदान करें, जो कुछ भी परिवार में आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल भगवान को अर्पित करें। अगर बड़ा घर भगवान ने दिया है तो उसको भगवत सेवा में कीर्तन आदि में आप प्रयोग कर सकते हैं, भगवान भक्तों को बुला सकते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त इष्ट गोष्ठी करा सकते हैं, अलग अलग प्रकार से अपने अपने कार्य अपने जिस आपके जो पोजिशन है उसको भगवत सेवा में लगा सकते हैं। ये सोच के कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान ही समस्त चीजों के भोक्ता हैं।
उनकी सेवा में हर चीज लग जानी चाहिए, तो वो चीज उससे कृष्ण संतुष्ट होंगे। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं है, वे समस्त देवताओं से महान है, समस्त लोकों और देवताओं के वही स्वामी है। ये भगवान वर्णन कर रहे हैं कि इस भावना से जो जीवन जीता है वो वास्तव में कृष्ण भावना भावित कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं ही सभी लोगों का महेश्वर हूँ। सुहृद सर्वभूतानाम, हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में दर्शन करके जो व्यक्ति जीते समस्त जीवों में परम हित, समस्त जीवों प्रति परम हितैषी और उपकारी बनता है, सभी के प्रति सुहृद बन जाता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन करता है। सुहृद यहाँ वर्ड यूज हुआ है, सुहृद अर्थात सभी का हितैषी, सुहृद। तो इसको हम भगवद गीता के जो श्लोक है उसमें भी एक बार हम समझेंगे सुहृद शब्द भगवान ने क्या बोला है। 29वां श्लोक में लास्ट श्लोक है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांतिम गच्छति। वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है जो भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम भोक्ता मानो। सब कुछ करने कराने वाले भगवान है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र अपने कर्तव्य का पालन करना है, कमल के पत्ते के समान जीवन जीना है, कीचड़ से प्रभावित नहीं होना। कृष्ण ने जैसा जीवन दिया है उस जीवन को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, कैसा फल मिलेगा। और कृष्ण को ही परम भोक्ता मान के उनको अन्न का भोग लगाना, जो चीजें हमारे पास हैं उनका भोग भगवान को स्वीकार उनको लगाने का यहाँ पे फल दिया गया, क्योंकि भगवान ही सभी चीजों का भोक्ता है। मुझे समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये शांति का पीस फॉर्मूला है। अगर वास्तव में आपको अपने लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। भगवद गीता के अनुसार कृष्ण को अपनाना पड़ेगा, कृष्ण को समस्त चीजों का स्वामी समझना पड़ेगा, समस्त भोक्ता समस्त चीजों का भोक्ता समझना पड़ेगा, उनके लिए जीवन यापन करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से शांति प्राप्त होगी, हर प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाएंगे मन से, जो भी मन में आपको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं या वातावरण कष्ट देता है। ये भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। तो इसके साथ पांचवा अध्याय समाप्त होता है यहीं पर ही, और हमने पांचवे अध्याय में प्रमुख तौर पे किस प्रकार से कृष्ण भावना भावित कर्म किया जाए वो सीखा, कैसे हम भगवान कृष्ण को अपनी भावना बसा कर्म कर सकते हैं, हम सबको जो शरीर प्राप्त है शरीर को कैसे हम उपयोग में लेके आ सकते हैं, तो इसको आप दोबारा अपने घर में आप अध्ययन कर सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन हाई लेवल पे इस चैप्टर में यही बताया गया है कि किस प्रकार से कर्म करें जिससे कि हमें दोबारा से नौ द्वारों वाले शरीर में जन्म ना लेना पड़े। पूर्ण रूपेण कृष्ण को समस्त चीजों का भोक्ता, समस्त समस्त लोकों महेश्वरों का स्वामी मानकर उन्हीं के लिए प्रेम पूर्वक और उनको अपना सबसे बड़ा हितैषी मानकर जो कर्म करेंगे हम, तो हमें निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, कोई प्रश्न अगर हो आपका इस छठे अध्याय को लेकर तो हम उसको हम कथा के अंत में लेंगे, अभी हमारे पास 10 से 15 मिनट हैं, तो हम अपने 9वें अध्याय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और 9वें अध्याय में जाने से पहले हम प्रश्न ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। कोई प्रश्न तो नहीं आपका 5वें अध्याय में किसी का, कुछ चीज ना समझ में आई हो 5वें अध्याय में? लिंक कर पा रहे हैं आप सभी अध्याय को, कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आउट ऑफ सिंक जा रही हो, जो ना समझ में आ रहा हो? जी प्रभु जी, लिंक कर पा रहे हैं। थैंक यू माता जी।
किसी का कोई प्रश्न है पांचवे अध्याय को लेकर? अगर नहीं तो हम फिर नौवे अध्याय को हम 15 मिनट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। आपके मन में फिर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो पांचवा अध्याय कर्मयोग के ऊपर था, कृष्ण कर्मयोग का थोड़ा सा एडवांस वर्जन, कृष्ण भावना भावित कर्म के ऊपर था। भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया कि कैसे कर्म का त्याग से बढ़कर है कृष्ण भावनामृत कर्म करना। कर्म का त्याग करके जंगल में जाके बाबा जी बनने से अच्छा है संसार में रह के आप कृष्ण भावनामृत कर्म करें, कृष्ण भगवान को अपनी भावनाओं में बसाएं और वो बस उनके बाद अपना जीवन यापन उस हिसाब से करें जैसे भगवान ने कहा है करने। नौवे अध्याय में भगवान ने इस ज्ञान को गुह्य ज्ञान बोला था। गुह्य ज्ञान मतलब कि उच्चतम ज्ञान, छुपा हुआ ज्ञान जो है, जो भी अभी तक हम दूसरे अध्याय से लेके छठे अध्याय तक या सातवें अध्याय से लेके सातवां आठवां अध्याय जो भी हमने पढ़ा, ये गुह्य ज्ञान है। ये नौवा अध्याय का ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं ये गुह्यतम यानी कि और डीप इंफॉर्मेशन है, और डीप नॉलेज है किस प्रकार से हमको स्वीकार हम सब कर सकते हैं। शुरुआत में भगवान ने बोला था कि इस ज्ञान को कौन समझ सकता है, कौन इन बातों को समझेगा जो हम अभी तक चर्चा करते आ रहे हैं, जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या ना करते हो और जो भगवान के मित्र हो। तो भगवान ने पहले बोला था कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते और तुम मेरे मित्र हो अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें सब ज्ञान और डीप में बताने जा रहा हूं। फिर भगवान ने बताया कि किस प्रकार से मूढ़ व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। यहाँ पे वर्णन आया था अवजानंती मामूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। तो जो मूर्ख व्यक्ति है, अवजानंती मामूढ़ा, वो मेरे इस ज्ञान को कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो वो जब मैं मनुष्य में, 11वां श्लोक था, अब जानती मामूढ़ा, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर को दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण कोई दिव्य पुरुष थे जो संसार में आए और संसार से आके चले गए, वो भगवान नहीं है। तो ऐसे मूर्ख व्यक्तियों की सोचती रहती है, तो इसलिए वो इस भगवद्गीता ज्ञान को समझ नहीं पाते। तो वो मोह में ही रहते हैं संसार में। लेकिन इससे परे भगवान ने बताया कि महात्मा प्रकार महात्मा व्यक्ति भी है, यानी कि जो दिव्य आत्मा है। 13वें श्लोक में बताते हैं, हे पार्थ, मोहग्रस्त महात्मा जन, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्ण भक्ति में दैवी हैशा गुण महिमम भगवान वर्णन करते हैं दैवी माश्रितम। जो महात्मा व्यक्ति है वो दैवी प्रकृति, भगवान की जो दिव्य प्रकृति है उसके संरक्षण में रहते हैं। तो दो प्रकार की प्रकृति है भगवान की। एक तो है माया रूपी जगत, माया प्रकृति। जो व्यक्ति भगवान की बातों को, भगवान को नहीं समझ पाते या जो अपने मन मुताबिक जीवन जीते हैं, वो माया रूपी संसार में माया परत ज्ञानी की बात ही रहते हैं। माया परत ज्ञानी वे व्यक्ति है जो कभी भी भगवान की दिव्यता को नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसे लगता है यही संसार है, सब कुछ जो है इससे परे कुछ भी नहीं है। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति कौन है? महात्मा जन, जो कि दैवी प्रकृति माश्रिता, जो कि दैवी प्रकृति, भगवान की जो दिव्य प्रकृति है, परा प्रकृति, जो श्रीमती राधा रानी संबोधित भी होती है कई बार, उनके उनके अंतर्गत, उनके अंडर प्रोटेक्शन में रहते हैं। उन व्यक्तियों को क्या होता है, वो व्यक्ति करेंगे संसार का ही काम, लेकिन अब जो वो संसार का काम कर रहे हैं उस दिव्य प्रकृति के अंतर्गत रह के कर्म कर रहे हैं। वो दिव्य प्रकृति जो है कभी उनको भटकने नहीं देती संसार में रहते हुए भी। उस कमल के पत्ते के समान रहते हैं, वो कमल के पत्ते कैसे बन पाएंगे जब हम उस दिव्य प्रकृति के संरक्षण में रहेंगे। वही भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान पर दृढ़ संकल्प होकर भक्ति भाव कर रहा है, वो देवी प्रकृति के अंतर्गत रहता है, दिव्यता में को प्राप्त किए रहता है।
उसके जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन कष्टों को वो समझ जाता है कि टेम्पररी है, आए हैं चले जाएंगे। उसका एक फोकस रहता है कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण भजन, किस प्रकार से भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए जीवन यापन करें। इसलिए वो महात्मा बन जाता है, महात्मा अर्थात उच्च कोटि का व्यक्ति। अब इसमें कई बार कुछ लोगों को डाउट होता है कि आपकी भगवत गीता में तो भगवान ने कहा है कि मेरी शरण में आओ, मेरे भक्त बनो, मेरे नौकर चाकर बन जाओ, तब सुखी रहोगे। तो क्या हमें यही नौकरी चौकरी करनी है क्या? हमारा तो उद्देश्य ग्रेट बनना है, हम प्रसिद्ध बनना चाहते हैं संसार में, खूब नाम यश कमाना चाहते हैं, और भक्ति आपको हमें एक सेवक चाकर बना के छोड़ने का कार्य कर रही है, कृष्ण के सेवक बन जाओ। अब यहाँ देखिए इस श्लोक से उसकी भर्त्सना हो रही है। भगवान कह रहे हैं महात्मा जो भगवान कृष्ण की सेवा को स्वीकारते हैं, जो भगवत में जीवन जीने को स्वीकारते हैं, वास्तव में वो महात्मा बन जाते हैं। महात्मा अर्थात उच्च उच्च कोटि के व्यक्ति। भगवान कृष्ण उनको फिर निम्न रहने नहीं देते। भले ही आप किसी प्रेसिडेंट का पीए है, उस पीए को आप, या पर्सनल असिस्टेंट है, उस पर्सनल असिस्टेंट को आप उतनी ही रिस्पेक्ट देते हो जितना प्रेसिडेंट को देते हो आप। अगर आपके शहर में किसी प्रेसिडेंट का पीए आ जाए, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपको एकदम से, अरे प्रेसिडेंट का पीए यहाँ पर घूम रहा है, उसको उससे जान पहचान बनाने के प्रयास करोगे आप? क्यों? क्योंकि उस प्रेसिडेंट का पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है, उसको वही रिस्पेक्ट, वही आदर दिया जा रहा है जो कि प्रेसिडेंट को दिया जाता है। अब जैसे कि जो दूत या दूसरे शहर में जो रिप्रेजेंट करते हैं डेमोक्रेट्स अपनी कंट्री को, इंडिया से डेमोक्रेट यूएस में आए, यूएस डेमोक्रेट इंडिया में गए, तो उन लोगों को देखा जाता है प्रेसिडेंट का रूप, ये लोग, वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको वही रिस्पेक्ट दी जाती है जो रिस्पेक्ट प्रेसिडेंट की है या उस कंट्री की है। उसी प्रकार से अगर आप भगवान के दूत बन जाओगे आप, तो आपको क्या लगता है कि आप नौकर चाकर वाला जीवन जी रहे हो? फिर महात्मा बन जाएंगे, महात्मा का। लेकिन भाव नहीं हमारे मन में कि हमें महात्मा बनना है, भक्त कभी नहीं सोचता कि वो महात्मा बन जाए, लेकिन भगवान कभी उसे बिना महात्मा बने रहने नहीं देते। ये इनके इन प्रकार उसको भगवान उठाई देते हैं। कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, कई ऐसे महान महान आचार्य हुए, संत हुए, जिनको, जिनकी जो कि भगवत विचारधारा को अपना के उनका प्रचार कर करने के बाद जन समुदाय में उनका इतना उत्थान हुआ कि वो भगवान के भी प्रिय बने और समुदाय और समाज के भी प्रिय बन गए। तो भगवान अपने आप उनकी स्थिति को ऊपर कर देते हैं, उठा देते हैं अपने भक्तों को। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त उस अपनी स्थिति को उठाने के लिए भक्ति कर रहा है। भक्त को भगवान से कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ सेवा मांगता है भगवान से, भगवान मुझे सिर्फ आपकी सेवा चाहिए, बस मेरे को देख के लोगों को आपका ध्यान आए, बस ऐसा भगवान से प्रार्थना करता है। तो ऐसा जीवन अगर बन जाए आपका, तो क्या अच्छा नहीं है कि जैसे ही कोई भीड़ में आपको कोई देखे, तो आपको देखते ही कृष्ण का स्मरण हो जाए किसी को, अरे देखो कृष्ण भक्त जा रहे हैं। इतना होने भर से आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। इतना भी किसी का अपना जीवन हमने कर लिया कि देखो कृष्ण भक्त जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि देखो वो उस प्रेसिडेंट का पीए जा रहा है, कितना बड़ा नाम यश है देखिए। तो आपको देख के किसी को भगवान का स्मरण अगर हो रहा है, तो आपका जीवन कल्याण है, इस जीवन जीने का महत्व सिद्ध हो गया है, वरना तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। क्या क्या उद्देश्य रहा? भले ही कितने बड़े अमीरपति करोड़पति क्यों ना बन जाए, अगर सबको तो ही छोड़ जाना है, फिर कौन कितना याद रखता है? कितने करोड़पतियों को हमने आज तक याद रखा, सबको भूल गए, लेकिन कृष्ण भक्त को हर कोई याद रखता है। आज भी तुकाराम जी का, मीराबाई का चरित्र गाया जाता है, आज भी सुदामा जी को याद किया जाता है। ये क्या बहुत बड़े व्यक्ति थे? इन्होंने भगवान के दूत बनना स्वीकार किया, भगवान का प्रचार किया भक्ति का, तो आज तक उनका नाम यश है। संत तुकाराम, मीराबाई, जीव गोस्वामी, शिल रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, लेकिन और भक्त जितने भी हुए हैं, प्रहलाद महाराज, सत्युग में घटना घटी है बताइए, और आज अब कलयुग चल रहा है, अभी तक प्रहलाद महाराज जी को ऐसा लगता है जैसे कि अभी घटना घटी, अभी तक उनको याद किया जाता है। तो भक्त कभी नुकसान में नहीं रहता, भगवान यह वर्णन कर रहे हैं।
सत्रवां श्लोक से हम आज पढ़ेंगे आगे। पितामस्य जगतो माता धाता पिता महा वेद्यम पवित्रम ओंकारा ऋक्वास ऋक्साम यजुर्वेद यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रित पिता मैं हूँ, मैं ज्ञेय शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ, मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। तो भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में वो क्या क्या है। एक श्लोक और लेंगे इसके बाद, फिर कथा को विश्राम देंगे। सारे चराचर विराट जगत, श्रील प्रभुपाद की जय। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति इसके विभिन्न कार्यकलाप से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो कृष्ण के ही रूप में हमारे माता पिता प्रकट हुए। इस श्लोक में आए धाता शब्द का सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण हैं। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। ये हम पढ़ चुके हैं श्लोक। तो वास्तव में भगवान कृष्ण जो है असल में हमारे असल माता पिता हैं, क्योंकि हमारे माता पिता के ही सृष्टा उनके माता पिता थे, उनके माता पिता के सृष्टा उनके माता, अल्टीमेटली सबके सृष्टा कौन है? कृष्ण। तो देखा जाए तो हमारे असल के पिता कृष्ण है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृता प्रभावा प्रलया स्थानम निधानम बीजम व्ययम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरणस्थली और तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रित अविनाशी बीज भी हूँ। तत्पर शील रूपात की जाए। गति का अर्थ है गंतव्य लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं, जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथा कथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक सूर्यलोक इंद्रलोक महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं, किंतु ये सारे लोग कृष्ण की सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वास्तव में कृष्ण से अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुँचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुँचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय शक्ति में बचत होगी। उदाहरणार्थ लिफ्ट, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो वास्तव में भगवान कृष्ण जो है एक प्रकार का आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। किसी देवी देवता को अगर हम अप्रोच करेंगे तो वो देवी देवता भी भगवान कृष्ण से ही अप्रूवल लेके हमारे हमारी हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा करते हैं। स्वयं किसी देवी देवता में भी सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई इच्छा कर सके या कर सके। तो इसलिए सीधा ही कृष्ण तक पहुंचना है। कृष्ण इज जस्ट लाइक भगवान कृष्ण लाइक ए लिफ्ट। आप लिफ्ट में बैठ के सीधा अपने गंतव्य पहुंच सकते हैं, ना कि आप सीढ़ियों के माध्यम से रास्ते से जाएं, क्योंकि सभी जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान कृष्ण पे ही आधारित होने के कारण भगवान कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते। ये शास्त्र वर्णन कर रहा है। उन्नीस और बीस श्लोक में भगवान और आगे वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े श्लोक नहीं है। उन्नीसवें श्लोक में भगवान ने क्या वर्णन किया कि मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमृतत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा पदार्थ दोनों ही मुझ में है। तो आत्मा यानी सतत, यानी जो जो ये शरीर देख रहे हैं ये भी भगवान से ही इच्छा से बना है, और जो आत्मा है वो भी भगवान का ही अंश है। वास्तव में हम दोनों रूप से भगवान से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम जब भगवान से दूर रह के अपना जीवन जीते हैं तो दुख में रहते हैं। और हर प्रकार से देखिए भगवान की इच्छा से सारा कार्य चल रहा है, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, पूरा क्लियर है। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं।
अब जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है सोमरस पान करते हैं और जो स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हैं। यहाँ हमने देखी चर्चा करी थी, किसी को अगर इंद्रिय सुख ही करना है, किसी को अगर इंद्रिय सुख में ही आनंद मिलता है, तो वो वेदों के माध्यम से अध्ययन, वेदों का अध्ययन करते हुए अपना जीवन यापन करे, इससे उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी जहां वो और अच्छा इंद्रिय सुख कर सकता है। अगर इंद्रिय सुख ही करना है हमें, भक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो भी वेदों का अध्ययन करके भगवान द्वारा हम इंद्रलोक की प्राप्ति करके उच्च सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इस संसार से जहां पर 100 गुना ज्यादा सुख है, वहां हमें सुख, वहां हमें जन्म मिल जाएगा। अगर भक्ति का भाव मन में नहीं है आपके, खाली सुख ही अगर भोगना है, तो भी भगवान कह रहे हैं कि आप वेदों का अध्ययन करिए और उससे पाप कर्मों से शुद्ध हो जाएंगे और इंद्रलोक में जन्म मिलेगा, और इंद्रलोक में जन्म मिलने के बाद वहां पर सुख का अनुमोदन कर सकते हैं। तो 20 श्लोक हम आज श्लोक के पढ़ चुके हैं, 21 श्लोक से हम अगले सप्ताह शुरू करेंगे। तो कथा को हम आज यही विश्राम देते हैं। कोई मन में आपके प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ऊपर कोई प्रश्न आपका? अगर कोई प्रश्न नहीं तो कथा को हम विश्राम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवद गीता सेवा में भी आपने जो योगदान दिया, प्रज्ञा माता जी और अजय प्रभु जी आज ज्वाइन नहीं करे उन्होंने, और ये जनक प्रभु जी, इन्होंने भगवद गीता का जो एपिगत चल रहा है, भगवद गीता मैराथन, इसमें आप सभी जो बढ़ चढ़ कर प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय है। और आप सभी ने जो भगवान की वाणी को प्रचार कार्य के लिए जो अपनी सहमति प्रदान करी है, वो वास्तव में इटर्निटी तक आपकी सहायता करेगी, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम, जो हम लोग अपने लिए बचा रहे हैं, बाकी संसार में मिला हुआ सब कुछ ही छूट जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों को आप भगवत गीता की वाणी से अवगत कराएं। भगवत गीता जिनके जीवन में प्रवेश करेगी, निश्चित रूप से उनका जीवन कल्याण तो होगा ही होगा, साथ में आपका भी कल्याण होगा, क्योंकि आपके माध्यम से वो वाणी गई है। तो भगवान खुद वर्णन कर रहे हैं, 18वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो इस गीता का प्रचार करता है, अब गीता की बातों का प्रचार करता है, वो उनको अतिशय प्रिय है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रचार करें अपने परिवार में, मित्रों में, और प्रयास करें कि वो कैसे भी इन किन प्रकार भगवत उन्मुख और भगवान की सेवा के करने लायक बन सके। तो इससे दोनों पक्षों का कल्याण है, आपका भी और उनका भी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आपसे प्रार्थना है आप सभी से कि अब आते रहे। तो हमें हमें अब 9वें अध्याय समाप्त होने में ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 20 श्लोक हो चुके हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है। तो हम इसमें इसके बाद 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, और अगले हफ्ते संगीता माता जी आपका 6ठा अध्याय रिविजन के लिए होगा। आवाज नहीं आ रही है माता जी आपकी? प्रभु जी हाँ ठीक है माता जी, तो अगले हफ्ते हम संगीता माता जी को सुनेंगे। तो समय पर आप सभी आने का प्रयास करें, और 6ठा अध्याय जो कि अष्टांग योग के ऊपर है, योग पद्धति, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।